पहला है आय उपागम या इनकम अप्रोच दूसरा है कल्याण उपागम वेलफेयर अप्रोच फिर तीसरा हम देखते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम बेसिक नीड अप्रोच और फिर नेक्स्ट है आपका क्षमता उपागम या कैपेसिटी अप्रोच तो आय उपागम इसमें हम बात करते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि जब 1980 के दशक के पहले जब मानव विकास की आ, बात की जाती थी तो उसमें आय को अर्थव्यवस्था के आकार की बात करते थे या आय की हम बात करते थे कि जितना बड़ा जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का आकार होगा जितना अधिक इनकम होगा आ, उतना ही अधिक मानव विकास होगा तो ये तब की बात की जाती थी कि इनकम अधिक तो इनकम अधिक या आय अधिक होने से जो है विकास की भी जो गति है वो अधिक होगी उसके बाद फिर इसमें थोड़ा हमने बात की थी कि सकारात्मक चेंज की बात की गई कि क्वालिटी जो चेंज है वो होना चाहिए गुणात्मक परिवर्तन की बात की थी तो उसके अंतर्गत आता है आपका कल्याण उपागम कल्याण उपागम मतलब वेलफेयर अब कल्याण कैसे होगा भाई किसी भी देश के नागरिक का कल्याण तभी होगा जब वो अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर पाए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त कर पाए और ये अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर तो बहुत हैं लेकिन आ, उसके पास मतलब विकल्प तो हैं लेकिन उसमें क्रय शक्ति भी होनी चाहिए क्रय शक्ति मतलब आय होगी तभी तो आ, वो इन सभी सारी जो सुविधाएं हैं उनको अपने अनुसार उसका लाभ उठा पाएगा तो शिक्षा स्वास्थ्य फिर हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी बात करें और इन सब के साथ साथ जो सुख साधन की वस्तुएं हैं या सुख साधन की जो अलग अलग चीज़ों की बात करें या वो फैसिलिटी की हम बात करें तो ये सभी जो हैं वो कल्याण परक उपागम या कल्याण उपागम के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंतर्गत जो है मानव विकास का मापन कर सकते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं तीसरा है आपका आधारभूत सुविधा उपागम तो आधारभूत आवश्यकता या सुविधा उपागम के अंतर्गत बेसिक नीड अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो छह नीड्स हैं है ना ये आपका आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस अप्रोच का हम कह सकते हैं कि जनक है या इसी क्या इन्हीं के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के द्वारा ही ये आधारभूत सुविधा उपागम या आवश्यकता उपागम की बात की गई है और उन्होंने ये जो छः नीड हैं छः आवश्यकता आधारभूत आवश्यकता की बात की है इसमें है आपका शिक्षा स्वास्थ्य है भोजन है जल आपूर्ति मतलब आ, अच्छी पेयजल की आपूर्ति या अच्छे जल की आपूर्ति उस क्षेत्र में होनी चाहिए नागरिकों को साथ ही साथ स्वच्छता और स्वच्छता के बाद रहने के लिए आवास तो ये जो सिक्स बेसिक नीड्स हैं किसी भी मनुष्य के तो आईएलओ ने इस सिक्स नीड के आधार पर इस छह आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर मानव विकास का मापन किया है ये आई की जब हम बात कर रहे हैं और ये इन्होंने जो सिक्स नीड कहा था जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य भोजन है जलापूर्ति स्वच्छता और आवास तो आई ने एक जो महत्वपूर्ण बात है उसको स्कीप कर दिया है जो है विकल्पों में वृद्धि जो विकल्पों में वृद्धि की बात हमारे मानव विकास के जनक इस कॉन्सेप्ट की जो जनक हैं डॉक्टर महबूब हक इन्होंने विकल्पों में वृद्धि की बात की है और ये जो बेसिक चीज़ है विकल्प तो उसको इन्होंने काउंट नहीं किया है या उसे छोड़ दिया है तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि आई ने एक प्रमुख बात जो है वो कौन सी छोड़ी है है ना तो उसके अंतर्गत आपको बताना है विकल्पों में वृद्धि फिर अगला हम देखते हैं क्षमता उपागम या कैपेसिटी अप्रोच और इसके जो जनक हम कह सकते हैं अमर्त्य सेन हमारे भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन जिनका जो महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं डॉक्टर महबूब उल हक के और इनका भी मानव विकास के कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा रोल है महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्होंने ही जो क्षमता उपागम की बात की है कि भाई व्यक्ति में व्यक्ति की आय जो है जितनी अधिक होगी तो उसी आधार पर तो उसका आकलन किया जाएगा ना कि आय जितनी अधिक होगी तो उसकी क्षमता भी अधिक होगी क्षमता कैसे अधिक होगी कि भाई जितनी आय होगी तो वो उतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है उतना अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है और इन सभी को खरीदने की उसकी क्रय शक्ति जो है वो बढ़ सकती है और जब शिक्षा स्वास्थ्य या हम किसी भी क्षेत्र में क्रय शक्ति की बात कर रहे हैं तो जब ये उसके पास पर्याप्त मात्रा में या अच्छी तरह से होगा तभी उसकी क्षमता का विकास होगा वो अपनी स्वतंत्रता का जो लाभ है वो ले सकता है हम कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में उसको स्वतंत्रता तो होनी चाहिए लेकिन उसके पास क्षमता ही नहीं है या उसकी इतनी आय ही नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाए तो क्षमता उपागम के लिए जो तीन चीज़ें हैं शिक्षा स्वास्थ्य और क्रय शक्ति ये तीनों की इन्होंने बात की कि ये तीनों जितने अधिक होंगे आय उतनी अधिक होगी और आय के आधार पर उसकी क्षमता का भी जो है वो विकास होगा तो ये हो गए मानव विकास के उपागम अब हम देखते हैं मानव विकास के मापन के सूचक कौन कौन से हैं हम इसका मेज़रमेंट कैसे करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट के मापन के जो सूचक हैं ये आपका यू एक संस्था है जो 1990 में गठन किया गया ये यू या हम कहें संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कुछ सदस्यों की संस्था है और ये प्रति वर्ष जो है एच डी आर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है 1990 के बाद से और इसके मेजरमेंट के दो एरिया हम कह सकते हैं दो क्षेत्र हैं पहला एच डी आई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडक्स इंडेक्स और दूसरा जो है वो आपका एच पी आई या ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स मतलब पहला मानव विकास सूचकांक और दूसरा जो है वो मानव निर्धनता सूचकांक या मानव गरीबी सूचकांक तो एस uh, की संकल्पना महबूब हक ने दी 1990 में और uh, इसके जो आधार हैं एस uh, के ज, जिनका जिसके आधार पर इसका मापन किया जाता है तो हमने देखा था स्वास्थ्य शिक, शिक्षा और साथ ही साथ संसाधनों की पहुंच तो आ, हम स्वास्थ्य के अंतर्गत देखते हैं कि आ, किसी भी स्थान में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वहाँ जीवन प्रत्याशा कितनी है लोग कितनी आ, उम्र तक जी रहे हैं और सिर्फ लंबी आयु जीने से नहीं एक सार्थक जीवन जीने की बात की गई है इसको हमने आ, कुछ समय पहले एक पिक्चर के माध्यम से भी समझा था हर आ, व्यक्ति का जो जीवन है वो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन एक लक्ष्य के साथ उस वो जीवन जो है जिया जाए तो जीवन प्रत्याशा में सिर्फ उम्र की ही बात नहीं की गई है आ, साथ ही साथ सार्थक जीवन की बात की गई है तो दूसरा आधार जो हम कहें कि शिक्षा शिक्षा में इसमें काउंट किया जाता है इसका आधार हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ साक्षरता कितनी है और प्रौढ़ साक्षरता के साथ ही साथ जो आ, सकल नामांकन अनुपात है स्कूल में जो एडमिशन लिए जाते हैं प्रवेश जो होता है उसका अनुपात कितना है इन दो आधार पर शिक्षा का मापन किया जाता है और तीसरा जो है ये आपका संसाधनों तक पहुंच की बात करते हैं तो संसाधनों की तक पहुंच की जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय कितनी है जितनी अधिक होगी जितनी अच्छी प्रति व्यक्ति आय होगी तभी तो वो उतने संसाधनों को खरीद पाएगा या उनका उपयोग जो है वो कर पाएगा तो ये एच के आधार हैं उनके मापक के और इस आधार में इन तीनों का वन थर्ड वन थर्ड और वन थर्ड जो परसेंट है वो लिया जाता है और इन तीनों ही वन थर्ड को मिलाकर हो गए एक वन तो एच या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मापन है वो जीरो से लेकर वन तक किया जाता है और इसके अलग अलग लेवल होते हैं अब आ, इसको रेंज की जो हम बात कर रहे हैं जीरो से वन तक तो वन एटी नाइन जो है वो देश इन सभी का जो है वो इसके अंतर्गत अलग अलग रेंज में सभी देशों को रखा जाता है जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं दूसरा है जो आपका एच या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मानव निर्धनता सूचकांक इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी देश में चालीस वर्ष वर्ष की आयु तक या उससे और जीवन जीने की जो प्रत्याशा है यह आयु कितनी और कम है चालीस वर्षें दूसरा इसमें देखा जाता है प्रौढ़ निरक्षरता दर एच में हमने क्या देखा था प्रौढ़ साक्षरता दर इसमें निरक्षरता दर तीसरा इसके साथ देखा जाता है कि स्वच्छ जल जो है उसकी पहुंच आ, कितनी है उस तक पहुंच वालों की जितनी संख्या है उस देश में आ, उसको ज्ञात किया जाता है साथ ही साथ जो आ, लो वेट आ, वाले बच्चे हैं कम वज़न वाले जो बच्चे हैं तो कम वजन वाले बच्चे की जो संख्या है वो ज्ञात की जाती है तो हम देख रहे हैं कि एच और एच ये दोनों ही जो हैं ये मानव विकास के आ, संयुक्त मापक हम कह सकते हैं और इसी आधार पर जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में मानव विकास का मापन किया जाता है हालांकि मानव विकास को मापने के ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के और भी कई तरीके हैं अलग अलग देशों में और कई तरीकों को अपनाया जाता है और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि अब निरंतर इस ह्यूमन डेवलपमेंट को या मानव विकास को मापने के लिए नए नए कार्य या अनुसंधान जो है वो किए जा रहे हैं तो इन अनुसंधानों में भी हम देखते हैं कि क्या रिसर्च हो रहे हैं तो अभी जो प्रिफेंस दी जा रहा है प्रिफरेंस जो दी जा रही है वो हम देखें जो भ्रष्टाचार का स्तर किसी भी देश में जो भ्रष्टाचार का स्तर होता है उस आधार पर वहाँ मानव विकास को मापा जाता है और साथ ही साथ जो राजनीतिक स्वतंत्रता है तो वो राजनैतिक स्वतंत्रता के बीच का संबंध ये नए आ, रिसर्च सामने आए हैं जो अब मानव विकास के मापन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और भी अध्ययन का कार्य इसमें आ, चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो यूएनडीपी है जो आ, हर वर्ष प्रतिवर्ष हमने कहा कि एचडीआर डी आर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है और उसके दो मापक कौन कौन से हैं एच डी आई और एच पी आई तो इसके दोनों के आधार अलग अलग हमने देखे अब इसके आधार पर जो स्कोर रेंज श्रेणी सूचकांक जो है तैयार किया जाता है तो आपका ज़ीरो से लेकर एक तक के बीच का इसका स्कोर रेंज होता है और हमने बात की कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 189 कंट्रीज हैं एक जो देश हैं उस पर इसका मापन जो है वो किया जाता है तो यहाँ पर आप इस ग्राफ से देख समझ सकते हैं कि जीरो से लेकर पॉइंट फाइव तक जो देश हैं वो निम्न मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं फिर पॉइंट फाइव से लेकर पॉइंट सेवन तक मध्यम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं पॉइंट सेवन से पॉइंट एट तक उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं और पॉइंट एट से वन पॉइंट ज़ीरो तक अति उच्च जो मानव सूचकांक के अंतर्गत आ, देश आते हैं तो हम यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण बात है जिसमें हम देख रहे हैं कि ज़ीरो से पॉइंट फाइव तक जो निम्न मानव सूचकांक की हम बात करते हैं तो एकदम निम्न मानव सूचकांक वाला अफ्रीका का एक देश है नाइज़र ये अति निम्न जो है मानव सूचकांक के अंतर्गत आता है हमारा भारत मध्यम मानव सूचकांक में आ रहा है और हम ये देखेंगे कि उच्च मानव सूचकांक की अति उच्च मानव सूचकांक की बात करेंगे तो जब से ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसमें यूरोपीय देशों की प्रमुखता रही है और उसमें भी नार्वे जो है ये नार्वे लगातार प्रथम स्थान पर रहा है अब Uh, हम 2018 में जो मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया तो हमारे भारत की स्थिति जो है वो आ, एक नंबर पर था हमारा भारत मानव विकास सूचकांक में और आ, वहीं हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका का स्थान जो है वो 76 था या छिहत्तरवां स्थान था 2018 के बाद हम देखें 2020 में भारत जो है वो एक स्थान पर आ गया और बीस में हम देख रहे हैं कि ये फिर से आ, इसमें गड़बड़ी हुई और ये एक सौ स्थान पर आ गया मतलब हम देख रहे हैं कि हमारा भारत जो है ये एक देशों में लगभग 130 के आसपास ही आ, इसका जो सूचकांक है वो सभी देशों में 130 के आसपास ही इसका नंबर है ये इसे आ, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है लेकिन वहीं हमारा आ, पड़ोसी देश श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने देखा कि 2018 में हमारा भारत 130वें नंबर में था श्रीलंका नंबर पे था हमारा भारत जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमें पता है कि सातवां नंबर है और श्रीलंका एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली यह है कि भले ही आ, जो मानव विकास सूचकांक की हम बात करते हैं तो इस मानव विकास सूचकांक में क्षेत्रफल या हम देश के आकार और वहाँ पर मानव विकास दोनों में कोई आ, सीधा संबंध हम नहीं देख रहे हैं हमको पता है कि भारत विशाल देश है और उसके बावजूद ये एक सौ तीसवें नंबर पर है लेकिन श्रीलंका एक बहुत ही छोटा देश है और वो छिहत्तरवें स्थान पर है तो अर्थव्यवस्था के आकार या हम क्षेत्रफल के आधार पर किसी देश के आकार की बात करें तो उसके साथ मानव विकास का कोई संबंध नहीं है और अधिकतर हम ये देखते हैं कि विश्व में जितने भी छोटे देश हैं छोटे अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो मानव विकास सूचकांक में बहुत आगे हैं और प्रायः जो क्षेत्रफल या आकार की दृष्टि से बड़े देश हमें मिलते हैं विश्व में वो मानव विकास सूचकांक में बहुत ही निचले स्तर पर हमको मिलते हैं अब आ, हम ये देखें कि जहाँ पर उच्च सूचकांक मिल रहा है मानव विकास बहुत उच्च सूचकांक सूचकांक पर है या अति उच्च सूचकांक पर है तो वहाँ क्या कारण है तो हम ये देखते हैं कि वहाँ जो सार्वजनिक सेक्टर हैं सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत हम देखें आ, शिक्षा की बात करें स्वास्थ्य की बात करें इन सभी पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है तो भाई आप शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करेंगे तभी तो आपको एक स्वस्थ और विवेकशील बुद्धिमान नागरिक को आप अपने राष्ट्र में पैदा करेंगे वो नागरिक देश का जो नागरिक है व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमेशा अस्वस्थ रह रहा है उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो चाहे उस देश में लाख संसाधन मौजूद हों लेकिन वो उसकी जो उन्नति है वो प्रौद्योगिकी या तकनीक के हिसाब में आ, उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसकी शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है तो संसाधन आ, रहने के बाद भी वो उसका उचित उपयोग जो है उन्नतशील उपयोग की जो हम बात करते हैं या सतत पोषणीय विकास की जो हम बात करते हैं वो देश उस अवस्था को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो जहाँ पर जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में सार्वजनिक सेक्टरों पर शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है वहाँ पर मानव विकास सूचकांक भी हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है और साथ ही साथ इन देशों में जो राजनैतिक अस्थिरता या उपद्रव की हम बात करें कि भाई लड़ाई झगड़े या युद्ध की जो स्थिति है ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती इत, इसका मतलब है कि रक्षा क्षेत्र में वहाँ पर उतना अधिक जो खर्च करने की आवश्यकता नहीं है बेसिक नीड जो है वहाँ पर बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है और एक अच्छे नागरिक एक अच्छे व्यक्ति जो हैं विवेकशील बुद्धिमान नागरिक जो हैं उस राष्ट्र में तैयार किए जा रहे हैं जो उस देश को अपने राष्ट्र को मानव विकास सूचकांक के इस उच्च स्तर पर लेकर आ रहे हैं वहीं भाई जहां पर एकदम लो कैटेगरी या निम्न श्रेणी का मानव विकास मिल रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं तो उसके कारण यही हैं कि वहाँ पर राजनैतिक अस्थिरता या अक्सर युद्ध अकाल इस टाइप की जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो सामाजिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र पर हम बात करें तो वहाँ पर जो है इस पर बहुत अधिक खर्च नहीं किया जाता चाहे हम शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करें तो अकाल महामारी या जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी चपेट में उस देश के नागरिक या व्यक्ति जो हैं, वो हमेशा रहते हैं क्योंकि इस स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता और साथ ही साथ राजनैतिक अस्थिरता या युद्ध के जैसी स्थितियों के साथ ही वहाँ पर सामाजिक अस्थिरता भी जो है वो हमेशा बनी रहती है तो ये जो कुछ परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम देखेंगे कि वहाँ पर आ, उन देशों का मानव विकास सूचकांक जो है वो बहुत निम्न स्तर का हमें मिलता है अब हम देखें कि मानव विकास के जो मध्यम स्तर वाले देश हैं वो लगभग मानव विकास में इस मध्यम स्तर पर कुल 47 कंट्रीज या 47 देश जो हैं वो शामिल हैं और इन देशों का जो विकास है हम वो देखेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अधिकतर हुआ है और और हम देखेंगे कि इसके साथ ही इस वर्ग के जो कुछ देश हैं वो तो पूर्वकालीन उपनिवेश के अंतर्गत रहे हैं जिनका जिन पर किसी दूसरे देशों का शासन रहा हो और वहाँ पर लगभग 1990 सौ ईस्वी के बाद हम देखते हैं तो तात्कालिक संघ का जो विघटन हुआ उसके बाद ही इन देशों का आ, या हम कहें कि अनेक आ, जो मध्यम वर्ग के अंतर्गत ये जो देश आते हैं वो शामिल हैं अब हम मानव विकास के अंतर्गत जो सर्वोच्च सूचकांक वाले देश हैं सर्वोच्च सुच, सूचकांक वाले जो दस देश हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले स्तर पर हमने कहा कि नार्वे है पहला फर्स्ट पोजीशन है और जब से एच डी आर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यू के द्वारा तैयार की जा रही है तब से ये प्रथम स्थान पर ही रहा है और नार्वे के बाद हम देखते हैं कि आपका दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे नंबर पर जो संयुक्त राष्ट्र है वो आता है तीसरा जो है ये आपका नीदरलैंड नीदरलैंड के बाद जर्मनी है जर्मनी के बाद न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड और आयरलैंड आता है इसके बाद आ, स्वीडन की पोजीशन या स्वीडन की स्थिति आ रही है और फिर स्विट्ज़रलैंड और जापान जो है वो दसवें रैंक पर आता है तो ये मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो अधिकतम सूचकांक वाले दस देश हैं ये हम देखते हैं और इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो सर्वाधिक देश हैं वो यूरोपीय देश हैं अब आ, हम ये देखें कि जहाँ पर उच्च सूचकांक मिल रहा है मानव विकास बहुत उच्च सूचकांक सूचकांक पर है या अति उच्च सूचकांक पर है तो वहाँ क्या कारण है तो हम ये देखते हैं कि वहाँ जो सार्वजनिक सेक्टर हैं सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत हम देखें शिक्षा की बात करें स्वास्थ्य की बात करें इन सभी पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है तो भाई आप शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करेंगे तभी तो आपको एक स्वस्थ और विवेकशील बुद्धिमान नागरिक को आप अपने राष्ट्र में पैदा करेंगे वो नागरिक देश का जो नागरिक है व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमेशा अस्वस्थ रह रहा है उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो चाहे उस देश में लाख संसाधन मौजूद हों लेकिन वो उसकी जो उन्नति है वो प्रौद्योगिकी या तकनीक के हिसाब में आ उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसकी शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है तो संसाधन आ रहने के बाद भी वो उसका उचित उपयोग जो है उन्नतशील उपयोग की जो हम बात करते हैं या सतत पोषणीय विकास की जो हम बात करते हैं वो देश उस अवस्था को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो जहाँ पर जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में सार्वजनिक सेक्टरों पर शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है वहाँ पर मानव विकास सूचकांक भी हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है और साथ ही साथ इन देशों में जो राजनैतिक अस्थिरता या उपद्रव की हम बात करें कि भाई लड़ाई झगड़े या युद्ध की जो स्थिति है ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती इसका मतलब है कि रक्षा क्षेत्र में वहाँ पर उतना अधिक जो खर्च करने की आवश्यकता नहीं है बेसिक नीड जो है वहाँ पर बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है और एक अच्छे नागरिक एक अच्छे व्यक्ति जो हैं, विवेकशील बुद्धिमान नागरिक जो हैं उस राष्ट्र में तैयार किए जा रहे हैं जो उस देश को अपने राष्ट्र को मानव विकास सूचकांक के इस उच्च स्तर पर लेकर आ रहे हैं वहीं भाई जहाँ पर एकदम लो कैटेगरी या निम्न श्रेणी का मानव विकास मिल रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं तो उसके कारण यही हैं कि वहाँ पर राजनैतिक स्थिरता या अक्सर युद्ध अकाल इस टाइप की जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो सामाजिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र पर हम बात करें तो वहाँ पर जो है इस पर बहुत अधिक खर्च नहीं किया जाता चाहे हम शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करें तो अकाल महामारी या जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी चपेट में उस देश के नागरिक या व्यक्ति जो हैं, वो हमेशा रहते हैं क्योंकि इस स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित चीजों पर वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता और साथ ही साथ राजनैतिक अस्थिरता या युद्ध के जैसी स्थितियों के साथ ही वहाँ पर सामाजिक अस्थिरता भी जो है वो हमेशा बनी रहती है तो ये जो कुछ परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम देखेंगे कि वहाँ पर उन देशों का मानव विकास सूचकांक जो है वो बहुत निम्न स्तर का हमें मिलता है तो बच्चों इस चैप्टर से आपको छोटे प्रश्न जैसे मैंने कहा कि पूछा जा सकता है कि भाई सार्थक जीवन क्या है या मानव विकास क्या है मानव विकास के आधार कौन कौन से हैं फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आया मानव विकास की संकल्पना और कब लेकर आया तो आपका उत्तर होना चाहिए 1990 के दशक में डॉक्टर महबूब उल हक जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और साथ में और दो नाम पूछे जाए या उनके सहयोगी या कौन कौन थे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो डॉक्टर महबूब उल हक के साथ आपको हमारे भारत के जो अर्थशास्त्री जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन का भी नाम लेकर आना है और इन दोनों में ही आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों की जो महत्वपूर्ण बात थी हमने देखा था कि डॉक्टर महबूब उल हक ने बात की थी आ, विकल्पों में वृद्धि विकल्प अधिक होने चाहिए और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने इसमें एक और बात ऐड की जो था स्वतंत्रता में आ, सुधार या स्वतंत्रता में वृद्धि की उन्होंने बात की थी और जब लघुत्तरीय आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि मानव विकास के चार स्तंभ कौन कौन से हैं उपागम कौन से हैं या किसी एक उपागम या किसी एक स्तंभ को समझाने की बात की जा सकती है तो इस तरीके से आपको इस पूरे चैप्टर को तैयार करना है